नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। सहरसा में 72 पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। खबर बता दें आपको विस्तार से, जहां सहरसा कोशी रेंज के DIG शिवदीप लांडे ने कोसी रेंज के तीनों जिले के नवनियुक्त होने वाले सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उनके द्वारा कुल 72 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, जिसमें से 67 सब इंस्पेक्टर के पद पर योगदान देंगे। वहीं 5 परिचारी सर्जेंट के पद पर अपना योगदान देंगे, जिनमें एक महिला भी सर्जेंट बनी है। इनमें से 19 महिलाएं और 53 पुरुष सब इंस्पेक्टर बने हैं। सभी युवा सब इंस्पेक्टर DIG शिवदीप लांडे ने अपने अपने नियुक्ति पत्र को पाने के बाद काफी उत्साहित दिखे। वे लोग उनके द्वारा दिए जा रहे नियुक्ति पत्र को लेते हुए तस्वीर को कैद कर रहे थे। वह काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं नए रंग रूटों को पुलिस विभाग में नियुक्ति पत्र को लेते काफी गर्व महसूस कर रहे। वहीं कोशी रेंज के DIG शिवदीप लांडे ने कहा कि अपने कंधों पर पुलिस की जिम्मेदारी का भार रहेगा। आप इमरजेंसी में सेवा देते हैं, आपको सेवा देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी मजबूरी में ही आपके पास आता है। कोई समस्या रहती है तभी पुलिस के पास कोई जाता है, इसलिए आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। 72 लोगों का हुआ है नियुक्ति पत्र दिया है। अभी ये लोग कंसन जिला से मुख्यालय का जो आदेश हुआ था, मुख्यालय के आदेश के अकॉर्डिंग ये अपने अपने जिला में योगदान देंगे। 26 को इनको योगदान देना है और उसके बाद मुख्यालय इनका ट्रेनिंग और बाकी का प्रोसेस होगा। तो एक कुछ संदेश भी देना था यंगस्टर से, इन्हीं के कंधों पे आगे पुलिस का एक जिम्मेदारी का भार रहेगा। तो 3 चीज़ें मैंने बोली है। सबसे पहले ये बोला है इन सब लोगों को कि भाई आप इमरजेंसी सेवा देना पड़ेगा आपको जब भी आपके पास आए, क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ पे मजबूरी में ही आता है या कुछ समस्या होती तो भी आता है, और आपका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जैसा मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स का अल्टरनेटिव हो सकता है कि 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर, लेकिन जहाँ पे घटना होती है और घटना के बाद आपको उसी पुलिस स्टेशन और उसी का फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होता है। और इनका रोल जो सब इंस्पेक्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पुलिस विभाग में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कड़ी है तो वो है जो कॉन्स्टेबल, सबसे नीचे लेवल का, जो कि फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर होता है किसी भी विक्टिम्स के लिए। तो कांस्टेबल को लीडरशिप देने वाला पहला जो लेयर है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का होता है, इसलिए इनका रोल डिपार्टमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो बोली कि फिटनेस के संबंध में बोला है कि आप आ रहे तो फील्ड में दौड़ना है तो फिजिकल फिट तो आपको होना पड़ेगा, उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी जरूरत है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि हालांकि देख ही रहे थे सब अपने फोटो के लिए भीड़ कर रहे थे, तो वो एक ही मैसेज है कि भाई अगर नियुक्ति पत्र पे अभी मैंने सिग्नेचर किया तो एक बार सिर्फ कुछ भी आप सोसाइटी में जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहोगे तो एक बार उस नियुक्ति पत्र को जो मैंने सिग्नेचर किया उसको याद कर लीजिएगा कि इसने आपके नियुक्ति पत्र पे साइन किया। तो मुझे लगता है अगर उसके साथ आप नियुक्ति पत्र के सिग्नेचर के साथ जस्टिस करोगे तो अपने आप कॉमन मैन के साथ भी जस्टिस होगा। थैंक यू। जिला रिपोर्टर गौरव कुमार चौधरी। बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां आधी रात छापेमारी कर पुलिस भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने में सफलता पाई है। सोमवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के हकपारा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। जानकारी देते हुए सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना क्षेत्र के हकपारा गांव से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली है। उन्होंने बताया कि लोहे का ग्रिल लगा परिसर से पुआल सहित अन्य जगह छुपा कर रखी गई शराब, करीब 70 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जहां से शराब बरामद हुई पता लगाया जा रहा है कि परिसर किसका है, वहीं कारोबारी को भी चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुप्त सूचना मिले थे कि हकपारा में की भारी मात्रा में शराब है एक घर में, जो बाउंड्री के अंदर में, तो वहीं पर लोग आए थे, भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। और विशेष जानकारी हमारे जो वरीय पदाधिकारी देंगे। कितनी मात्रा में होगी सर? कितनी मात्रा में होगी सर? लगभग 70 कार्टून। किसी गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। विशेष जानकारी देंगे वरीय पदाधिकारी। R9 भारत के लिए शिव कुमार भगत की रिपोर्ट, सहरसा बिहार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।